मित्रों, आज के समय में लोग बहुत सी परेशानियों में घिरे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्या करें कि अपने सारी परेशानियों से मुक्ति पा जाएं। लेकिन जो संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा जानते हैं, उन्हें पता है कि सारी समस्याओं का अंत कैसे होगा। इस घोर कलिकाल में इस धरा पर साक्षात उपस्थित हैं प्रभु श्री हनुमान जी। उनकी भक्ति एक ऐसा सुगम मार्ग है जिससे हम अपनी सभी तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा एक ऐसा महामंत्र है जिसके निरंतर पाठ से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, क्योंकि इसके पाठ से हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और वो तो संकट मोचन है, देवताओं के भी संकटों को टाला है उन्होंने, तो हमारे संकटों को समाप्त करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो क्या होता है, उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं। वैसे तो लोग अपनी सुविधा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कोई प्रतिदिन एक बार पाठ करता है, तो कोई 7 बार, तो कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा बार करते हैं। तो वहीं कुछ लोग नियमित पाठ न करके प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पाठ करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्व हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ का है। हनुमान चालीसा में खुद लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख हुई। यहाँ पर 100 बार पाठ करने पर बंदी छूटने की बात कही गई है, अर्थात बंधनों से मुक्ति। अब सभी लोग जो अपने अपने अनुसार इसका अर्थ लगाते हैं। किसी के लिए ये छोटे बंदी इसका अर्थ हुआ कारागार से मुक्ति, मतलब जो कारागार में बंद व्यक्ति है यदि वो 100 बार पाठ करेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं कोई समझता है कि इसका अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। लेकिन यहाँ पर वास्तविक अर्थ ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिन्होंने भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उनकी परेशानियां दूर हुई हैं, जिनकी सारी चिंताएं दूर हुई हैं, वो लोग इस आधार पर कह सकते हैं, हम भी इस आधार पर कह सकते हैं कि बंधनों से मुक्ति का अर्थ है विकट से विकट समस्याओं के बंधनों से मुक्ति। फिर वो समस्या कोई भी हो सकती है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, परिवार कलह क्लेश, कुंडली के दोष, इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं, सबका समाधान हो सकता है हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने से। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में तपस्या का अत्यधिक महत्व है। तपोबल से क्या नहीं हो सकता, हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं तपस्या के प्रभाव से। तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई सरल कार्य नहीं है। आज के समय में जब मन भटकाने के लिए 50 साधन उपलब्ध हैं, तो लगातार एक जगह बैठे बैठे मन एकाग्र किए हुए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप जो भी इच्छा लेकर इसका पाठ करोगे तो आपकी तपस्या के फल स्वरूप आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आपकी सभी समस्याओं के बंधन दूर हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ना या किसी भी अन्य मंत्र का जाप आदि करना, यह सब भाव से होता है। आप तपस्या कीजिए और फल तो प्रभु देंगे ही। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने पाठ किया है उनका अनुभव जान लूं, उन्हें कोई लाभ हुआ है तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो मित्रों यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। सबका भक्तिभाव अलग अलग होता है, तो फल भी अलग अलग ही मिलता है। हाँ, ये अवश्य है कि आप किसी से प्रेरित होकर पाठ आरंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित मानिए कि यदि आपकी भक्ति में उसकी भक्ति से ज़्यादा गहराई है तो आपको उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा, कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक सीमा नहीं लगाई जा सकती कि ये करने से बस इतना ही लाभ होगा। ये सब कुछ हमारे भाव की दृढ़ता पर निर्भर करता है। और वैसे भी जहाँ पहले लोग हजारों वर्षों तक
तपस्या किया करते थे, ऐसे में केवल 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी समस्याओं के निवारण के लिए एक बार हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बस पाठ पूरे मन से और शुद्ध भाव से करिएगा, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपको जो भी लाभ हो इसके पाठ करने से, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भटक रहे हैं, वो प्रभावित होंगे और प्रेरित होंगे हनुमान जी की पूजा करने के लिए, हनुमान जी से जुड़ने के लिए, और इस तरह से उनके जीवन में भी प्रकाश की किरण आएगी। जय जय सियाराम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।